Hey, 1071 is here unofficially. Officially 2 हफ्ते बाद ही आएगा शायद. ये चैप्टर अच्छा था. काफ़ी चीज़ें हुई हैं, बातें करते हैं इनके बारे में आफ्टर दिस इंट्रो. लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कुमा. तो हमें इस चैप्टर में पता चल गया कि कुमा कहाँ भगने निकल गया था. रेड लाइन. अच्छा, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, बट कुमा जिस वे में रेड लाइन में क्रैश किया, डजेंट दिस एग्जैक्टली लुक लाइक 9/11? भाई इसी वे में ट्विन टावर्स में क्रैश हुए थे ना प्लेन्स. जिन्होंने क्लिप देखा है भाई, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. भाई आई एम सॉरी भाई, मैं यहाँ पे क्यों ला रहा हूँ ये बातें. वेल, कुमा यहाँ पे क्यों आया है पता नहीं. वट आई थिंक इसकी ऐसा इसलिए क्योंकि वेगापक ने उसे इस वे में मॉडिफाई कर दिया है कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए हमेशा लॉयल रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए. मे बी वेगापक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मेक श्योर करना चाहता था कि कुमा को कुछ ना हो. पता नहीं इधर से कुमा क्या करने वाला है, आई वंडर. ऐसा भी हो सकता है कि कुमा अब कुछ कलेश करेगा मरीजोआ में. पता चला भाई ब्लास्ट ब्लूस्ट हो जा रहा मरीजोआ के अंदर जाके. जो भी होगा आई होप वो इंटरेस्टिंग हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन एगहेड. गाइस, What do you think? कौन से एली की बात यहाँ पर वेगापंक ने की है? एक्चुअली मेरे पे इससे रिलेटेड छोटी सी थ्योरी है जिस पे वीडियो में ऑफिशियल चैप्टर के रिलीज़ होने के बाद ही लाएगा. ये ट्रांसलेशन पे मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है. लास्ट टाइम इन लोगों ने पूरे वेगापंक की थ्योरी को चेंज कर दिया था. इस बार भी एक जगह एली बोल रहे, दूसरी जगह उसको दे आर बोल के रिफ़र कर रहे. आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस ट्रांसलेशन. लुच्ची को चुल है अभी भी लूफी से लड़ने का, विच इज़ वाई वो इम्पेशेंट होते हुए दिखा इस चैप्टर में. भाई फुद्दू बंदा है ये, मतलब बहुत बड़ा फुद्दू है भाई. किज़ारू बोला कि मैं आ रहा हूँ, नहीं अपने से भिड़ना है. वो भी क्यों? क्योंकि लूफी को योंको नहीं मानता ये बंदा. व्हाट द फक भाई, इस चुप्पड़ को कोई समझाओ भाई कि जिनको ये गॉड मानता है ना उन्हीं लोगों ने लूफी को योंको माना है. और बिल्ली होकर भी इतने कुत्ते जैसे मार खाने के बाद भी बिलीव नहीं करना, भाई वेरी नाइस. पता है अभी के टाइम पर लुच्चे से ज़्यादा कोई लक्की नहीं है क्योंकि इधर पर लूफी वेगापंक लोग उससे भिड़ नहीं रहे हैं. अगर भिड़ने लग गए ना तो CP0 बिल्कुल भी नहीं बचने वाली भाई, फॉर श्योर. चाहे कितना भी सेरेफिम का कंट्रोल ले ले ये लोग. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेगापंक और स्ट्रोहेड्स के लिए CP0 को हराना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. वेगापंक अगर इधर आ गया तो सेरेफिम उसके साइड भी आ जाएंगे एंड स्ट्रोहेड्स तो भाई कच्चा चबा जाएंगे लुच्ची लोग को. बस अगर यहाँ पर वेगापंक को भागने की जल्दी नहीं होती ना, CP0 अभी तक ख़त्म होते फॉर श्योर. सैडली हम CP0 को पिटते हुए नहीं देखने वाले जल्दी. मतलब वेगापंक का एलआई अगर आ गया तो पीट सकता है, लेकिन वेगापंक और स्ट्रॉहैट्स तो नहीं पीटने वाले इनको क्योंकि ये लोग अभी भी इधर से निकलने में ज़्यादा फोकस्ड हैं. एंड जस्ट आफ्टर फ्यू चैप्टर्स सारे स्ट्रॉहैट्स वापस से यूनाइट हो चुके हैं एक्सेप्ट ज़ोरो एंड ब्रूक. ज़ोरो भाई ब्रो काकू मूद दिया भाई. ज़ोरो को सनी पे देख के काकू मूद दिया. लमाओ भाई, ज़ोरो क्या बैड एस वे में उठा. डैम, ज़ोरो वर्सेस किज़ारो का पता नहीं बट ज़ोरो वर्सेस काकू ज़रूर हो गया भाई. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. अब भाई बस काकू को भी ज़ोरो बेहोश कर दे. मस्त बेहोश किया भाई, पैर ही काट दे, बिन पैर का जिराफ बन जाएगा काकू. फिर वेगापंक और उसके सैटेलाइट्स एगहेड से निकलने के लिए सनी को ही यूज़ करने वाले हैं. एंड इन द प्रोसेस अगर लूफी लोगों को CP0 को इंटरफेयर करने से रोकने की ज़रूरत पड़ी तो हमें कुछ अच्छा सेटिस्फाइंग एक्शन देखने मिल सकता है. बॉनी का अपना टाइम पास दिखा है अपने को. दो इधर पर अपने को ये भी पता चला है कि फॉर सम बिग रीज़न वेगापंक कुमा को वापस से नॉर्मल नहीं कर सकता. ये बिग रीज़न शायद से कुमा के अभी रेड लाइन पहुंचने वाले हरकत से कुछ रिलेटेड है. किड हमें एलबेफ के पास दिखा है. मैंने बोला था ना कि किड एलबेफ गया होगा. सी आई वॉज राइट भाई. एंड मेरी इस थ्योरी के सच होने के चांसेस थोड़े से बढ़ गए हैं. मैं बता रहा भाई, एलबेफ में किड को शैंक्स मिलने वाला है. देख लेना, शैंक्स वर्सेस किड फिर से होगा और शैंक्स भी किड से उसके दोनों रोड पोने के उसके प्रिंट चुरा लेगा. एंड या एलबेफ इज स्टिल रेलेवेंट इन द स्टोरी गाइस. एंड अदर प्रूफ, लेट्स गो. एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट गार्प. सो कौन बोल रहा था इस वीडियो के नीचे कि गार्प वर्सेस ब्लैकबेर्ड नहीं होने वाला है? मैं बता रहा भाई, ये थ्योरी देखना सच होगा. गार्प मरेगा देखना ब्लैकबेर्ड के हाथों से. हाँ, फेम जैसे फुद्दू रीज़न की वजह से शायद ब्लैकबेर्ड टारगेट नहीं करने वाला गार्प को, बट देखना ये रिवील होगा कि ब्लैकबेर्ड गार्प को लूर करने के लिए ही कोबी को एज अ बेट किडनैप किया था. वेल, ब्लैकबेर्ड यहाँ पर रिवेंज की वजह से भी गार्प को टारगेट कर रहा है. ऐसा भी हो सकता है रॉक्स के मौत का बदला शायद. एक ही चैप्टर में मेरे दो थ्योरीज के सच होने के भाई चांसेस थोड़े बढ़ गए हैं भाई. लेट्स गो भाई, आई एम हैप्पी.
एंड दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बढ़िया बात है, नहीं लगी तो भी बढ़िया बात है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस चैप्टर, यू कैन कमेंट दैट डाउन। बेस्ट मोमेंट इस चैप्टर का कौन सा लगा बता सकते हो? मुझे तो भाई ज़ोरो का नींद से उठ के काकू की फाड़ने वाला लगा, लाइक डैम दैट वॉज बैड एस। केसरु जल्दी पहुँच ही रहा होगा, जल्दी वो भी दिखे मस्त, आई होप भाई जल्दी दिखा उसको भी। एंड तुम्हें क्या लगता है किसने एग हेड के डोम के डिफेंसेस को बंद किया था? वेगापंक के एलाई ने शायद, अगर उसने नहीं किया था तो फिर किसने किया था? खुद से तो हुआ नहीं होगा राइट। चलो मैं जाता है किसी एनिमे के चौदह के जापान जाने के सपने को तोड़ने। तो अब नेक्स्ट वीडियो में ये आवाज़ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।